इन प्रोडक्शन एनालिसिस वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सटर्नल कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट इज बेसिकली जस्ट अपोजिट टू द प्राइवेट कॉस्ट मीन दैट इज दैट कॉस्ट दैट अ प्रोड्यूसर और एंटरप्रोन्योर इज नॉट गोइंग टू पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट बट इट डज एग्जिस्ट इन द प्रोडक्शन सिस्टम और इन द सोसाइटी अब ये एक्सटर्नल कॉस्ट कहाँ से आती है जिस तरह हम बहुत सारे दूसरे ऑस्पेक्ट्स में हमने बात की है कि देर आर सर्टन फैक्टर जिनको हम कहते हैं कि दे आर एक्सटरनेलिटीज मीनस जिनको हम अकाउंट फॉर नहीं कर रहे होते लेकिन एक प्रोडक्शन प्रोसीजर में वो कहीं ना कहीं पर मौजूद होते हैं एंड इन दैट मैनर दे एट कैन कॉज आइदर लॉस और आइदर दे कैन कॉज सर्टन बेनिफिट टू द सोसाइटी और टू दैट पर्सन सो वेन वी डील विद द सोशल ऑस्पेक्ट वी कैन से दैट दे डू एग्जिस्ट तो अगर हम इसको सादा लफाज में कहें तो वो ये होगा कि वैन प्राइवेट कॉस्ट आर देयर एंड वैन वी एड इन द प्राइवेट कॉस्ट द एक्सटर्नल कॉस्ट दैन दे बोथ सम अप द एंड कम टू दोशल कॉस्ट और या कहें कि सोशल कॉस्ट में से जब हम प्राइवेट कॉस्ट को साइडलाइन कर लें और उसके बावजूद कुछ कॉस्ट मौजूद रहें आइधर वो कॉस्ट सोसाइटी पे कर रही है या अदर ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं तो दे विल बी द एक्सटर्नल कॉस्ट अब अगर हम यहाँ पे देखें कि वो जो एक्सटर्नल कॉस्ट हैं वो हमारे इस प्रोडक्शन प्रोसीजर को इम्पैक्ट किस तरीके से करती हैं तो मोस्टली देर इज़ अ मार्केट मकैनिज़म जिसके तहत हम बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनके इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ असेस करके उनकी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं और उनको उनका एक्यूरेटली रेंट या वेज पे कर रहे होते हैं लेकिन अगर उसी तरीके से हम प्रॉपरली एक्सटर्नल कॉस्ट को उसमें एडअप्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर नॉट गोइंग टू असर्टेन द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ देयर वैल्यूएशन या हम ये कहेंगे कि हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपरली नहीं कर रहे होंगे

एक एंटरप्रेन्योर मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा होता है और उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो तमाम शुमार की जमा तफरी करता है कि आइदर मुझे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ़ आउटपुट तक जाना चाहिए हो सकता है हम कहें कि वो आउटपुट को इनक्रीज़ करे लेकिन टू असरटेन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है वो आउटपुट को बढ़ाने की बजाय कम करे सो टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट जो भी फर्म्स जो हैं वो आउटपुट की असेसमेंट करती हैं और उसका रेट लगाती हैं मेन मार्केट रेट पे एंड देन इक्वेट दैट रेट मीन जिसको हम कहेंगे उसका मार्जिनल रेवेन्यू वो बनेगा उसको मार्जिनल कॉस्ट और वो मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होगी द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट दैट दैट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेरिएबल एंड द फिक्स्ड कॉस्ट वैल्यूएशन ऑफ द दैट बिजनेस प्रोसेस अब इसका मतलब यह है कि बिजनेस में तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया और ये जो प्रॉफिट है वो पर्टिकुलरली उस एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर का प्राइवेट बेनिफिट होगा लेकिन जब हम सोशल वेलफेयर की बात करें ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो वेलफेयर एनालिसिस जो है या वेलफेयर इकोनॉमिक जो है वो असरटेन करती है रिक्वायर करती है कि हमें जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है उसके साथ इस मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वेट करना चाहिए सो इट मीन्स एक्चुअली वी आर गोइंग टू एक्वेट विद द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट लेकिन रिक्वायरमेंट है सोशल मार्जिनल कॉस्ट की और ये सोशल मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम देखें तो मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँगी तो आप ये देखिए कि हम आप इर्द गिर्द बहुत जगहों पर देखते होंगे कि पाकिस्तान बींग एन एग्रेरियन कंट्री और एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री तो हमारा इरीगेशन वाटर इज़ द बेसिक रिसोर्स जो हमारी फसलों को पैदा करने के लिए हमें एक फ्रीली अवेलेबल सोर्स अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और फॉर दैट इरीगेशन वाटर जो हमारे दरियाओं नदी नालों के ज़रिए होता हुआ नहरों के ज़रिए एग्रीकल्चरल फार्म्स तक पहुंच रहा होता है आफ्टर अ वन ईयर एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो काश्तकार जो है वो पे करते हैं और अगर आप उसका ख़ुद एग्जाम्पल अपने इर्द गिर्द से अपने वालदेन से या इर्द गिर्द रिश्तेदारों से पूछेंगे तो एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है हो सकता है पर एकड़ साल के बाद कहीं डेढ़ सौ रुपया दो सौ रुपये या कुछ फसल के हवाले से ढाई सौ या तीन सौ अढ़ाई सौ रुपये इस तरीके से होंगे लेकिन जब पानी अवेलेबल नहीं होता मीन इरीगेशन वाटर इज़ नॉट कमिंग तो उसी एक फसल के लिए हमें दो घंटे या तीन घंटे अगर उस जिम्मेदार को पानी ट्यूबवेल के लिए परचेज करना पड़ता है तो वो उसकी अमाउंट उस के मुकाबले में थाउजेंडस ऑफ रुपीज़ ज़्यादा होती है या हो सकता है उसको परचेज ना करना पड़े उसकी अपने पास ट्यूब वेल लगा हुआ है लेकिन उस ट्यूब वेल को चलाने के लिए बिजली का या डीज़ल का खर्च होगा और उसकी बेस पे जब उसने जो इन्वेस्टमेंट की है हम अगर उसको मार्केट वैल्यूशन पे असेस करें तो उसकी कॉस्ट क्वाइट डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है कि वो वाला सेटअप जो वाटर का हमें मिला हुआ है अल्लाह तरफ से हम उसकी प्रॉपर सोशल कॉस्ट पे ही नहीं कर रहे तो अब अगर हम इस फॉर्म में देखें तो उसकी एक प्रॉपर सोशल वैल्यूएशन होनी चाहिए इसी तरीके से बहुत सारे रिसोर्स में हम कहीं पे पोल्यूशन के तौर पे अगर देखें तो बहुत सारे बिज़नेस प्रोसीजर जो हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म में एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं पंजाब में हमारे दो से तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं वेयर वी आर जस्ट हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बिज़नेस दैट इज़ कॉल्ड टेनरीज जिसमें हमारे ये जानवरों की खालों को उसका लेदर की फॉर्म में कन्वर्जन का पूरा बिजनेस है और उस पूरे प्रोसीजर में हैवी इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैवी मेटल है जिसमें निकल या लेड वगैरह का एंड दैट इज़ टोटली पॉइजनस लेकिन चूंकि उन टेनरीज का पानी हम दरियाओं में डाल रहे हैं तो इन दैट लॉन्ग रन में हम अपनी टोटल एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के साथ साथ जो सराउंडिंग एन्वायरमेंट में मौजूद हमारे द ह्यूमन बीइंग्स हैं हम उनके लिए कैंसर के तौर पे वो वाला जो बिजनेस प्रोसीजर है वो उसका बाइस बन रहा होता है लेकिन इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है जिसमें सोशल कॉस्ट को एडअप होना चाहिए वो कभी पे ही नहीं हो रही क्योंकि वो उसके लिए वो सोसाइटी को कॉस्ट जा रही है और चूंकि वो खुद उसको अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहा अब इसीलिए जो सोशल ऑप्टिमम अकाउंट है इट रिक्वायर्स कि हम सोशल मार्जिनल कॉस्ट को भी उसमें एडप करें और उस लाइक वाइज जो हमारे पास पोल्यूशन के सेटअप हैं या हम सोसाइटी को कहीं लॉस दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ सर्टन रूल्स बनाए जाएं एंड नाउ कमिंग टू दिस ग्राफ अगर हम देखें तो देन वी कैन सी मोस्टली जो एक प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर का ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो देखता है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू तो अब इस पॉइंट से ऑनवर्ड जो है वो देखता है कि अगर फर्दर वो मूव कर रहा है यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड तो ये उसका बेसिकली सप्लाई लाइन भी होती है एंड इस ब्रेक इवन से अगर वो नीचे आता है तो उसको लॉस आ रहा होता है लेकिन अगर हम यहीं पे देखें तो अगर उसमें सोशल कॉस्ट के सेगमेंट को हम एडअप करते हैं तो जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो यहां की बजाय थोड़ा सा राइट right साइड पे आके मूव करता है इट मीन्स दैट रिक्वायर्स नाउ वी कैन हैव माइट बी द मोर प्रोडक्शन सेटअप लेकिन अगर हम इस पर देखें कि जब हमने उसकी मार्केट की प्राइस यहाँ ऐड अप की है इन सर्टन तो लेकिन उसमें एक सोशल कॉस्ट और एड हो रही होगी अब ये वो सेटअप्स हैं जिसको देखते हुए कि जो एक्सटर्नल कॉस्ट हैं वो चूंकि मार्केट फेल्योर के तौर पे उसमें ऐडअप हो रहे हैं अगर उनकी प्रॉपर वैल्यूएशन ना हो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इनकी वैल्यूएशन के क्या कोई तरीका कार हैं तो येस वी आर हैविंग पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन बट अब उसकी असेसमेंट के लिए मीन उसकी एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकती है कितना लॉस हो रहा हो, है, वो हो सकता है कितनी कॉस्ट एडअप होनी चाहिए कितना शेयर उस एक प्रोड्यूसर का है वो आ सकता है और उसको हम इस तरह असेस कर सकते हैं कि अगर टोटल इन्वायरमेंट को या सोसाइटी को ये इतना लॉस कोई सौ प्लांट मिलके दे रहे हैं तो एक प्लांट की कंट्रीब्यूशन जो है वो उस लॉस में या उस कॉस्ट में कितनी हो एंड फॉर दैट कॉस्ट जिसको हम सोशल कॉस्ट कहें उसको कंपनसेट टू सोसाइटी करने के लिए मुख्तफ़ सेटअप्स हैं जिस तरीके से कुछ प्रोड्यूसर्स को जिस तरह एग्रीकल्चर में हम कहते हैं कि उनको एक सब्सिडी दी जाती है तो इसी तरीके से दैट इज़ सोशल बेनिफिट उसी तरीके से सोशल कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए जो जनरल इंटरनेशनल फॉर्म्स ने डिवाइस किए हुए रूल्स हैं उनके तहत क्या है कि इस तरीके के जो प्रोड्यूसर विच आर काजिंग मोर सोशल कॉस्ट टू द सोसाइटी, देन दे आर हेवीली पेड इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेशन। तो वो टैक्सेशन की फॉर्म में या हम अगर कहें तो एक से दो रेमेडीज़ हैं जिनमें एक का नाम कंपनसेशन रेमेडी मीन टैक्सेशन की फॉर्म में है और अदर देयर आर सर्टन रिजंक्टिव रेमेडी में जिसमें हम ये असेस करते हैं कि जो सोसाइटी इर्द गिर्द उसके रजिस्टर्ड अगर कोई है या ह्यूमन बींग की सेटअप्स हैं या कोई ग्रुप ऑफ एक्शन है जो ये असरटेन करे कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट जो है दैट विल बी ओनली द थ्रेश होल्ड जहाँ पे वो प्रोडक्शन करे और उसके बियॉन्ड अगर वो जा रहा है जस्ट लाइक जिस तरह अगर हमने यहाँ पे करते हैं तो अगर ये इस लेवल पे जाता है तो ये मार्केट को हमारी इकोनमी को ये लॉस की फॉर्म में जा रहा है तो वो उस आउटपुट को पर्टिकुलरली एक लेवल पे आके डिटरमिन uh, कर सकते हैं कि इसकी बियॉन्ड प्रोडक्शन ना की जाए और अगर प्रोडक्शन करनी है तो देन फॉर दिस गैप जो सोशल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के दरमियान में है तो इक्वल टू दैट कॉस्ट दैट प्रोड्यूसर शुड पे बैक टू सोसाइटी आइदर इन द फॉर्म ऑफ सर्टन सोशल सर्विस और आइदर इन द फॉर्म ऑफ सर्टन टैक्सेशन थैंक यू